खिलाफ है और ये अपने एजेंडे पर इंडिया वी आर रेडी टू डिफेंड उन पर उम्र की रोशनी डाली है। अब आपके बीच में हम जीना आराम कर रखा अभी तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं जहां तमाम दलित संगठनों ने अपने अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन बुलाया था। एक प्रदर्शन यहां पर दलित शोषण मुक्ति मंच की तरफ से भी बुलाया गया था, जिनकी प्रमुख मांग ये है कि केंद्र सरकार द्वारा जल्दी से जल्दी जातिगत जनगणना कराई जाए, साथ ही निजी क्षेत्र में जो आरक्षण है उसके प्रावधानों को भी लागू किया जाए। उनका साफ तौर पर मानना है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण किसी भी तरीके से जो मेरिट या फिर क्वालिटी का सवाल है उसको प्रभावित नहीं करता है। यहाँ पर आए कुछ प्रदर्शनकारियों से हमने बातचीत की है, सुनिए उन्हें। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ जंतर मंतर पे दलित शोषण मुक्ति मंच और तमाम जो खेत मजदूर यूनियन है और देश के 5 राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन हैं उनकी तरफ से आज जो है हर जो है राजधानी पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है और हरियाणा में भी, पंजाब में भी, दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में भी, हर जगह पे है। तो यहाँ पे आज जंतर मंतर पे, क्योंकि ये देश की राजधानी है, तो यहाँ पे भी आज दलित शोषण मुक्ति मंच की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसके में मेन जो मुख्य एजेंडा है हमारा कि एक तरफ तो अभी जो बजट पेश हुआ है उसमें ST के लिए कोई ज़्यादा उसके अंदर बढ़ोतरी नहीं की है। दूसरी तरफ अगर बजट में ही बढ़ोतरी नहीं होगी तो जो आम जो SC वर्ग के बच्चों को जो सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप है, चाहे वो उनको पढ़ने के लिए पुस्तकें मिलती हैं, चाहे वो कोई महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो है, तो इसमें जब बजट में कटौती नहीं होगी तो उनको जो है इन सुविधाओं से वंचित हो जाएंगी। तो इसीलिए इस बजट के विरोध में भी आज हमारा प्रोटेस्ट है। दूसरा, जो जाति के आधार पे जो भेदभाव है देश के अंदर, मतलब एक इंसान है वो जन्म लिया है उसने एक लड़के के रूप में या लड़की के रूप में, लेकिन जब जन्म लेता है तब तो बोलते हैं कि अल्लाह का दिया हुआ है या भगवान का दिया हुआ है, लेकिन जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो तब उससे पूछा जाता है कि आप कौन सी जाति से हैं। तो जब ये जाति शब्द आ जाता है तो वहीं से ये शब्द जाति शब्द के साथ ही शोषण शुरू हो जाता है। जो जातिगण जनगणना है वो लाजमी है ताकि देश में ये पता लगा सकें कि कितने लोगों के साथ जातियों का विश्लेषण क्या है हमारे भारत में। इस विश्लेषण से हमको एक चीज़ समझ में आएगी कि आज की समय में विभिन्न जातियों की संख्या क्या है, उनका अनुपात क्या है और उनको किन किन संसाधनों की आवश्यकता है। और जब हम उनकी आवश्यकताओं का पता लगा सकते हैं इस जनगणना के माध्यम से, वो इम्पैक्ट भी, वो चीज़ें भी इसमें रखी जाएं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक क्या है, राजनीतिक क्या है और वो कितने तो आज़ादी के बाद से ऊपर आए और कितना ही नीचे चले गए। बहुत से क्षेत्रों में अब वो नीचे की ओर जा रहे हैं। जाति के आधार पे आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर एक स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है और उसने घड़े से पानी पी लिया, वो घड़ा जो था वो स्टाफ का था, प्रिंसिपल का था, मास्टर का था, बस यही उसका अपराध था, लेकिन उस घड़े में पानी पीने की उसको सजा मौत के बदले में सजा जो है उसकी मौत मिली, उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मतलब अभी भी जो है दिमाग में जो है लोगों के जो मनुवादी जो है वर्ण व्यवस्था ये अभी भी काबिज है, तो इंसान के रूप में अभी दर्जा नहीं मिलता है। दूसरी तरफ अगर कोई मंदिर में चला गया है तो ये होता है कि वो मंदिर अपवित्र हो गया, ये स्वर्णों के लिए है, दलित के लिए नहीं है। एक तरफ तो इस देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी हमें अपनी इस आज़ादी में जो बराबर का जो दर्जा मिला है वो भी अभी जो है मिला नहीं है, उसके लिए भी लड़ना पड़ता है अपने आप को काबिज करने के लिए। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो यू नो टू रीइंस्टेट द कास्ट सेंसस इन द कंट्री बिकॉज राइट नाउ से विद सो मेनी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ से द पॉपुलेशन बीइंग SC ST एंड OBC
right now there is a lot of Brahmanization or Sanskritization happening in the country, and all of that happening on the side, and with BJP and RSS on the side trying to call the Indian population a homogenous group and trying to suppress the rights of the oppressed even further. It is important to know to reinstate the caste census, and as a form of empowerment, as a first step towards the empowerment of the oppressed caste, is why one of the reasons why we are asking for the caste census. And that is not just the only reason why we are here today. This is a larger call against the atrocities that are happening against Dalits and the oppressed in the country. And this is, after the BJP government, after the right-wing governments across the country have come, more and more incidents of atrocities are happening. And not just that, education. We are also protesting against how NEP is taking away the right of education of the oppressed caste and classes from, the communities, from the population. This is also something that we are fighting against. आप देख सकते हैं कि अभी तक कभी भी IAS, IPS के अंदर कभी भी कोटा भर्ती पूरा नहीं किया गया, और अब एक समस्या और आ गई है कि तमाम जो मुख्य स्तर के सचिव हैं या विभागों के प्रभारी हैं, उनमें से यदा कदा ही एक आध कहीं अनुसूचित जाति जनजाति का, नहीं तो सभी जगह पर यही ब्राह्मणवादी लोग जो है उस व्यवस्था पर पूरी तौर पर काबिज हो चुके हैं। चाहे उसमें DM देखिए, SSP देखिए, जिला के प्रमुख देखिए, तहसीलदार देखिए, स्कूलों के हेड देखिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के जहाँ IIT है, ITI है, या हमारे मैनेजमेंट के स्टडी सेंटर हैं, उन सभी जगह पर आज लगभग पूरी तौर पर मनुवादियों का कब्जा हो चुका। मोदी सरकार ने अमृत महोत्सव के दिवस पर ये जो केंद्रीय बजट जो पेश किया है, ये जन विरोधी बजट है, ये दलित विरोधी है, माइनॉरिटी विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, और इसके अंदर जो समाज के वो सबसे नीचा तबका जो है उसकी ज़िंदगी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। ये अडानी अंबानी उनका बजट है, ये उनको मालामाल करने का, और जनता जो दबी कुचली जनता है उसके अधिकार और संविधान को ख़त्म करने वाला बजट है। The whole idea of meritocracy is a very casteist and very elitist understanding altogether, which we need to refute, of course. But the whole thing of the importance of having reservation in private sector is that with public sector declining and even public sector jobs being contractualized and all of that, it is important that the jobs that are provided in the private sector, and a lot mostly we know the kind of people who are getting into the private jobs, it's a certain from a certain class, from a certain caste, and that would say that only that is going to increase the inequality in the society. So like only the rich and the powerful are in the private sector getting the jobs, while the deprived continues to be the deprived. So this is important that we have a fair chance in the private sector, emerging private sector, that is sort of responsible for the larger number of employment opportunities right now in the country. So it is important that we argue that reservation be set up in the private sector. And of course there is no question of compromising in quality. This is all also coming from the very elitist, very problematic understanding of what is merit, and the sort of lack of understanding of who has a better social capital to begin with, and all of that. So that is a longer struggle that we have to fight against. So yes, jab baba sahib ne tatkalin samay mein us arakshan ke lagu karne ki vyavastha ko apnaya, to bharat mein jo daliton ki sthiti hai उसमें से कोई भी जज नहीं था, कोई भी जो है पुजारी नहीं था, या कोई भी जो है बड़े अहदे पर नहीं था, लेकिन जब उनको मौका दिया गया तो उनमें वो योग्यता भी थी और वो काम भी करके गए थे। और उसका बहुत बड़ा उदाहरण मैं बताता हूँ कि रेलवे जो है हमेशा घाटे में चल रही थी, जब बाबू जगजीवन राम रेल मंत्री बनाए गए तो वो घाटे से मुनाफे की ओर आ गई। तो किसी और मंत्री ने अभी तक जो है उसको मुनाफे में इस तरह से क्यों नहीं लेके आए। हम हिंदू कब हैं? चुनाव के टाइम पे, उसके बाद भी हम अछूत हैं। ये